दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हां, आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम की तरफ से काफ़ी लंबे समय बाद रोहित शर्मा टेस्ट में ओपनिंग करते हुए नजर आए। उनके साथ दूसरे ओपनर के तौर पर मयंक अग्रवाल आए। इन दोनों ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और लगातार चौके छक्के बरसाते गए। इसी बीच 29वें ओवर में एक चौका मारकर रोहित ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोस्तों इसके बाद तो जैसे रोहित रुके ही नहीं और एक के बाद एक शानदार शॉट्स खेलते रहे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहे। मैच के 50वें ओवर में रोहित ने लगातार दो छक्के मारकर सभी को ये बताया कि क्यों वो दुनिया के सबसे बेस्ट ओपनर कहे जाते हैं। जी हां, आपको बता दें साउथ अफ्रीका की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज डेन पीट और इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारा। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तुरंत ही अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ एक और लंबा छक्का मारकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। आपको बता दें इसके बाद 54वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक ठोका। साथ ही आपको बता दें टेस्ट में ओपनर के तौर पर रोहित का ये पहला शतक है। इसके अलावा भारत के लिए टेस्ट मैच में बतौर ओपनर शतक ठोकने वाले रोहित शर्मा चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों इसके अलावा भी रोहित ने कई बड़े रिकॉर्ड्स इस मैच में अपने नाम किए हैं। आपको बता दें ये खबर लिखे जाने तक रोहित ने 115 रन बना लिए हैं जिसमें उन्होंने 12 चौके और 5 लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों जब रोहित शर्मा चौके छक्के बरसा रहे थे तब मयंक अग्रवाल भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं और 84 रन बनाकर अभी भी वो क्रीज पर टिके हुए हैं। आपको बता दें टी ब्रेक तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 202 रन बना लिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पर पूरी तरह से दबाव बना लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा अपने शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको इस मैच में रोहित की पारी कैसी लगी, जल्दी से जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।